शर्मा कैसे आ रहे हैं? बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सुकून है यहाँ पर। ये आपका लव लेटर है मुशर्मा, तो हमें क्या अपराध हो सकता है? चलो जी अंदर आए, चलो जी अंदर आए, चलो। हेलो, मैं अकेली नहीं, सामान भी है मेरा। बीबी, आप यहाँ रुक क्यों गई? बड़ी पुरुषराशी जगह लगती है, जैसे बहुत सी चीजें इंसान का पीछा कर रही हूँ। बीबी जी, ये आवाजें सिर्फ आपको सुनाई देती हैं, और मेरे कानों की तो वायरिंग ही खराब है। एक दफा मेरे कान में जंगली भू नजर चला गया था, बस उस दिन से मेरे कान ही बंद हो गए। जाने का किराया? वेरी गुड। लेकिन मैडम जी, आपको किसी चीज की भी जरूरत होगी ना, तो आप मुझे कहिएगा। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मेरा मतलब है जी, मैंने भी तो खुद को ही कहना है जी। अरे कैसी हो बेटा, खैरियत से पहुंच गई हो ना? मामा, खैरियत से पहुंची हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। बेटा कब तक वापस आओगी? तेरी वापसी पर तेरी बहन की शादी का दिन भी रखना है। मामा, मुझे अपनी प्यारी बहन की शादी का अच्छी तरह पता है, मैं नावल मुकम्मल करते ही जल्दी से आ जाऊंगी। ओ बेटा, मैं तुम्हारे लिखने के शौक से बहुत तंग हूँ। मामा, आपको तो फख्र होना चाहिए, आपकी बेटी एक लिखने वाली है। मेरी प्यारी सी बहन को तो फोन दीजिए। अच्छा लो बेटा, अपनी बहन से बात करो। हेलो, बदवाएं तो बहुत देरी होगी, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी शादी लेट हो गई। फिक्र ना करो मेरी जान, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। ओहो, तुम्हारी नहमकाना बातों का मैं क्या जवाब दूं? वो तो मामा को तुम्हारी फिक्र है, मेरी तरफ से तुम बाहर में जाओ। ए, गुस्सा कर गई हो? नाराज मत हो, काम खत्म करते ही जल्दी आ जाऊंगी। छोटी बहन से कौन गुस्सा होता है? तुम ऐसा करो, अपना काम जल्दी से खत्म करो और वापस आ जाओ, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा तुम? क्या माँ और बेटी में बातें हो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बैठो। मैं तो यही चाहती हूँ तुम्हारी और सितारा की शादी जल्द हो जाए, मगर वो लड़की अचानक नॉवल लिखने चली गई। चंद दिनों की तो बात है, जब आंचल आ जाए तो शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे। बेटा, तुम्हारी मरहुमा वालदा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और आज मैं उसकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हूँ। खुदा ने मुझे बेटे की नेमत से नहीं नवाजा, मैं तो बेटी देकर बेटे का सौदा करना चाहती हूँ। आप इत्मीनान रखें आंटी, आप मुझे बेटे से बढ़कर पाएंगी। ठीक है, आप लोग बैठो, मैं चाय का बंदोबस्त करती हूँ। क्या रट्टा लगा रखा है? अभी आपने हमारी बेशर्मी देखी कहाँ है? शादी के बाद आपको पता चलेगा
कि किस बेशर्म से पाला पड़ा है। अभी तक नहीं आया और हम लोग ज्यादा देर तक चोरी की लकड़ी को जंगल में नहीं रख सकते। सर जी, फॉरेस्ट ऑफिसर भी तब्दील हो गया है, नया फॉरेस्ट ऑफिसर, कोई गड़बड़ ना कर दे। कुछ नहीं होता, उसको भी खरीद लेंगे हमारे सेठ लोग। तो भी ट्रक आ गया, कैरी पकड़ो। Thank you.
ना चला गया। सर जी पीछे भी कोई नहीं, पर ये चला कहां गया? अरे साहब जी आप ड्राइवर को गोली मारे, आप लकड़ी लोड करें, ट्रक मैं ले जाऊंगा। चलो एक ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर के नजदीक लकड़ी उसकी औलाद की तरह होती है, और किसी की औलाद चुराना जुर्म है। के साथ बदतमीजी करने की जरूरत की है। एक बात याद रखना कि जंगल का फॉरेस्ट ऑफिसर बदल गया है, और कायदे कानून भी। अपने आदमियों को समझा लेना कि ठेके के अलावा लकड़ी को हाथ लगाना भी मेरे नजदीक जुर्म है। ऑफिसर कायदे और कानून होते ही तोड़ने के लिए हैं, बैठ के बात हो सकती है नए कायदे और कानून पर। आप जैसे भी कायदे कानून बनाएंगे हम मान लेंगे। बस एक ही कायदा और एक ही कानून। अब जंगल में चोरी नहीं होगी, अगर नहीं मानोगे तो इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे? कोई भी शख्स सबके सामने खुद को नहीं बेचा करता, आदमी इसके ऑफिस में भेजना पड़ेगा, ये कीमत जरा ज्यादा मांगेगा, कीमत देनी पड़ेगी और इसे खरीदना पड़ेगा। अरे आंचल तुम और तुम यहां क्या?
रही हूँ। ये बात आप मुझे ऊपर खींच के भी पूछ सकते हैं। तुम्हारे इस तरह मिलने का तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे ख्याल में जिंदगी के इत्तेफाकात इसी तरह होते हैं। बहरहाल मुझे खुशी है, मुझे मेरी जिंदगी में मेरे कॉलेज का दोस्त दोबारा मिल गया। सेम टू यू। मगर तुम यहाँ? मैं एक नॉवल लिख रही हूँ, एक ऐसी लड़की की कहानी जिससे एक हाथ से उसकी सारी खुशियां छीन लेता है। मगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओ यानी कल की कॉलेज गर्ल आज एक लिखने वाली हो गई और मैं कल का प्ले बॉय एक फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया और यहाँ ड्यूटी पर हूँ। तुम ठहरी कहाँ हो? यहाँ जंगल में एक रेस्ट हाउस है, मैं वहाँ ठहरी हूँ। अच्छा, आप तो हमारे बहुत करीब हैं, अब तो मुलाकात भी होती रहेगी। मुझे एक जरूरी काम जाना है, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। ओके ओके बाय। आपकी गाड़ी खराब लगती है। से आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, अब अपनी गाड़ी ले जा सकती हैं। Excuse me? क्या आप शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं देंगे? मेरे ख्याल में ये सब फर्जी बातें हैं। पहले कभी आपको इस जंगल में देखा नहीं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अहमद है और इस जंगल में नया फॉरेस्ट ऑफिसर हूं। अब इजाजत? एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। अपने बारे में तो आपने बता दिया, मेरे बारे में कुछ पूछेंगे नहीं? मेरा नाम अनमोल है और मैं इस जंगल के ठेकेदार जमशेद की बहन हूं। बस एक सवाल और पूछना है। जी पूछिए। क्या पहली नजर के प्यार यकीन रखते हैं? मेरे ख्याल से आप पागल हैं। जो प्यार में पागल हो वो बहुत खतरनाक होते हैं। मगर मेरे नजदीक प्यार में पागल होने के लिए पहले एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं लोग सरे राह मिलते हैं, आंखें चार होती हैं, एक दूसरे के महबूब बनकर एक दूसरे पर जान निछावर कर देते हैं। मोहब्बत तो सूरज की रोशनी से भी तेज होती है। मोहब्बत आंख से निकलकर सीधा दिल में उतर जाती है। वक्त ही कितना लगता है जाने में। मेरे पास आपकी इन बेतुकी बातों का कोई जवाब नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ करता हूं। हाँ वो भैया। हाँ तुम तुम मुझे बताए बगैर आ गई, सब खैरियत है ना? जी भैया सब खैरियत है। मैंने सोचा कि अगर मैं इतला दे के घर गई तो मैं अपने भाई के चेहरे पे खुशी कैसे देखूंगी, इसीलिए मैं कुछ दिन यहां रहने चली आई। अरे पगली, अकेले सफर मत किया कर, तू तो जानती है तेरी सांसों में तेरे भाई का दिल धड़कता है। भैया मैं जानती हूं, खुदा ने मेरे भाई के दिल में मेरे लिए वो प्यार रखा है कि अगर इसको मैं खुदा से मांगने भी निकलूं तो मुझे कई जन्म लेने पड़े। पगली तू मेरा भरोसा है, भाई के प्यार का यकीन। चल तू सफर से थकी आई है, आराम कर ले, फ्रेश हो जा,
फिर ढेर सारी बातें करेंगे। चल चा भैया। साहब जी, बीबी जी का सामान कहां रखूं? समझ गया, उनके कमरे में कहां रखना है। से हाथ मिलाकर माहौल को दोस्ताना करना चाहता हूं। किस तरह की दोस्ती चाहते हो तुम लोग मुझसे? हम लोग तो जी और जीने दो की पॉलिसी को मानते हैं सर। अब देखिए ना सर, पेट तो हर इंसान के साथ लगा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे पेट का ख्याल करें और हम आपके पेट का एहतराम करेंगे। रिश्वत लेने से गुनाह के मानी नहीं बदलते। अब एक मिनट भी यहां रुका तो जाने के लिए बैसाखियों की जरूरत पड़ जाएगी तुम्हें। यहां से निकल आओ। इसका मतलब है वो ऑफिसर बिकाऊ नहीं है। समझ में नहीं आता कैसे चलेगा हमारा कारोबार। सीधी बात है, अब हमें लकड़ी की चोरी बंद करनी होगी। इससे हमारा नुकसान तो बहुत होगा,
मगर हम उस पागल ऑफिसर की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तुम लोग ठीक कह रहे हो, जाओ जाकर अपने लोगों को चोरी की लकड़ी निकालने से मना कर दो। ठीक है सर। अच्छा हुआ तुम रास्ते में मिल गई, मैं तुम्हारी ही तरफ जा रहा था। क्यों, मुझसे क्या काम है तुम्हें? तुम जानती हो आंचल कि मैं सीधी बात करने का आदी हूं। कॉलेज में हमारी मोहब्बत के किस्से काफी मशहूर हुए थे, मगर हम दोनों ने इजहार मोहब्बत नहीं किया था। मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाहते हो।
बीबी, ये आप क्या देख रही हैं? ये कब्रें? ये भी तो अपने ही थे। इस वीरान जंगल में बनी हुई कब्रों से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रिश्ता प्यार की कुख से जन्म लेता है। इन बेचारों से भी प्यार का रिश्ता था मेरा। ये वीरान जंगल और ये चार कब्रें और तुम्हारा ये गमजदा चेहरा साफ बता रहा है कि यहाँ कोई मुकम्मल कहानी दफन है। मैं एक लिखने वाली हूँ जिसे कहानियों से बहुत प्यार है। क्या तुम मुझे ये कहानी नहीं सुनाओगे? इस कहानी में चार लाशें कुछ आंसू हैं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी मगर गुजारिश जरूर करूंगी। बीबी, ये सुन के आपका कुछ फायदा हो सकता है तो जरूर बताऊंगा। आज से 3 माह पहले की बात है, ये चारों एक दूसरे के लिए बहुत सा प्यार लेकर आए थे मगर सारियां
इतनी देर में हमने पहुंच भी जाना था। अब ये कहां अभी तुम लोग? इधर भी देख लो, अभी तक बाहर नहीं आए। अब बाहर भी जाओ ना। तनवीर ओहो क्या शोर डाला हुआ है। लो आ गए। लो आ गई। आइए जनाब, हम लोग तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, चलने वाली बात करो। चले चलो जरा जंगल की तरफ, जानवरों से भी हेलो हाय हो जाएगी। एक मिनट, चले चले। Let's go। मेरी बात सुनो राजा। वहां सुनाना। Come on। आपका ऑर्डर सर। ओ भाई ये हमारा नहीं है। अरे भाई ये ऑर्डर मैंने लिखवाया था, जंगल में क्या हम लोगों ने भूखा मरना है? यार जंगल में हम लोग ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ऑर्डर तो आपको वसूल करना पड़ेगा। एक मिनट भाईजान, पैसे मैं आपको देता हूँ, ये लो अपने पैसे। थैंक यू। ओ भाई पिज्जा तो देते जाओ। ले जनाब भाईजान। पिज्जा यही छोड़ जाओ, वापस आकर खा लेंगे। चलो अब चलें। ये ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाय द वे ऐसे हसीनो जमील चेहरे जहाँ कहाँ रहे हैं, कुछ हमें भी तो पता चले। जनाब हम जरा जंगल की तरफ जा रहे हैं। चले जी खैर फिर जाएं, हम तो यहाँ हर आने जाने वाले के नौकर हैं। आपके आने तक खाना तैयार होगा, जैसे ये दोनों बच्चियां तैयार। माफी चाहता हूँ, आप जाएं जी। अच्छा माफ किया। हाय वी। मैं सोच रहा था अगर किसी जानवर ने हमला कर दिया तो। यार क्यों परेशान कर रहे हो, चलो सामने जंगल के पीछे जगह है, हमने वहां पर जाना है। चलो जंगल घना है, अच्छा लग रहा है, पार्क से मुख्तलिफ है, है ना तनवीर? तनवीर तनवीर ये कहां गया? कहां है तनवीर? तनवीर
परेशान हो? जंगल में हमारी जान ही निकाल दी। यार तुम लोग छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हो, आउटिंग पे आए हैं, हल्ला गुल्ला तो होगा। हल्ला गुल्ला और चीज है, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। प्लीज तनवीर, आप कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। मुझे पहले यहाँ से बहुत खौफ आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे हम बहुत बड़े खतरे में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, टेक इट इजी। तुम लोग बैठो, मैं चली कपड़े चेंज करने। अब तुमने ऐसी हरकत की ना, मैं तेरा मुंह तोड़ डालूंगा। राजा पहना। वो वहाँ खिड़की के पास कोई है। ये डराने का ड्रामा मैंने खत्म किया, अब इसने शुरू कर दिया। एक मिनट यार, मुझे पूछने दो, हुआ क्या? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने खिड़की पर किसी को देखा है। तो पूछ लेती भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? चुप करो यार, उसका चेहरा बता रहा, वो झूठ नहीं बोल रही। तुम ऐसा करो, इसके साथ बाहर जाओ और इसका शक दूर करके आओ। जाओ ना, चलो जाओ। देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। तनवीर मेरा यकीन करो, यहाँ पर कोई है। आओ खिड़की की तरफ चल के देखते हैं। चलो, चलो। देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम ऐसे ही डर रही हो, पागल हो गए हो तुम। यहाँ पर कोई है। किधर हो तनवीर? देखो मजाक मत करो, मुझे डर लग रहा है। तनवीर कहाँ? Ah!
क्या हो गया हिना? क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? राजा, आधी रात गुजर गई है, देखो ना वो लोग अभी तक नहीं आए। डार्लिंग, वो लोग जवान हैं, मंगेतर हैं, हसीन हैं, होंगे जंगल में कहीं अटकेलियां करते हुए। तुम उनको एंजॉय करने दो और मेरे हाल पे भी तरस खाओ। जरा करीब आओ। नहीं राजा, तुमने वादा किया था कि शादी से पहले हमारे बीच कुछ नहीं होगा। ओके बाबा, लेकिन शादी के बाद एक नहीं सुनूंगा। माना ये सब कुछ गुनाह है, लेकिन दीदारे यार तो गुनाह नहीं है ना। बाबूजी आपने ठीक कहा, सारी रात गुजर गई है, वो दोनों वापस नहीं आए। अल्लाह खैर करे। ना जाने ये दोनों कहां चले गए, हम खुद उन्हें देखने जा रहे हैं जंगल में। सुनो राजा, हमें जंगल के रास्तों से वाकफियत नहीं, अगर हम चौकीदार को साथ ले जाते तो ज्यादा अच्छा था। ओ हाँ, दरअसल रेस्ट हाउस में राशन खत्म हो गया, वरना मैं आप लोगों के साथ जरूर जाता। आप उनको ढूंढे, मैं शाम तक राशन लेकर वापस आ जाऊंगा। ठीक है आप जाएं, हम खुद उन्हें ढूंढ लेंगे। आओगे ना? ये लोग कहां चले गए? मेरा डर कोई भ्रम नहीं था, अब तो आवाजें दे देकर मेरा गला भी खुश्क हो गया है। क्या करें, ढूंढना तो पड़ेगा। तनवीर, न जाने कहां चले गए ये लोग। राजा,
मनुष्य के नाकाम बहुत बोलेगा, सर खा जाएगा मेरा। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम बुरा होगा, मैं बता दूं तुम्हें। छोड़ दो इस लड़की को, छोड़ो। तेरे आशिक को तेरा बड़ा दर्द आ रहा है, मगर हम तरस नहीं खाया करते, समझाओ इस बेवकूफ को। तुम लोग बड़ा जुर्म कर रहे हो, बहुत बड़े गुनाह कर रहे हो तुम। ये गुनाह नहीं, ये मजा है, और तुम हमारा मजा खराब मत करो, सिर्फ खामोश रहो और तमाशा देखो। छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको कमीना। इनका पूछने कोई नहीं आया? इनके वालदेन यहां आए थे, वो क्या करते? अपनी बदनामी के डर से इन बच्चों को यहां दफनाकर चले गए। लाशें अपनी बेगुनाही की गवाही नहीं दिया करती, क्योंकि लोग यहां बहुत कम आते हैं, इसीलिए मैंने इन कब्रों से दिल लगा लिया। मारने वाले कौन थे नहीं जानता। आपका ऑर्डर मैडम। ये लो पैसे, तुम जा सकते। थैंक यू। एक बात तो बताएं, आपकी सुनाई हुई कहानी में मारने वाले का पता क्यों नहीं चल सका? बीबी जी, इतना बड़ा जंगल है, क्या पता चलता है यहाँ? एक दफा मेरी बीवी भी जंगल में टींडे तोड़ने गई थी, ना टींडे आए ना मेरी बीवी आई। कैसे जालिम और बेरहम इंसान होंगे वो, जिन्होंने सरसब्ज बस्ती को गुनाहों की बस्ती में बदल डाला। अगर वो लोग मुझे मिल जाएं, तो उन्हें मुआशरे के सामने अपने कलम के जोर पे
जो लोग अपनी हवस की आग को ठंडा करने के लिए दूसरों की इज्जत और आबरू छीन ले, ऐसे गुनहगारों को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। आप ठीक कहती हैं बीबी, मगर कौन ढूंढे उन जालिमों को। भी नहीं रहे। मुझे सब याद है, मगर आप यहां कैसे? सरे राह हुई मुलाकात को वाकफियत में बदलने आई हूं। आपसे इधर उधर मिलने की बहुत कोशिश की, मुलाकात नहीं हो सकी तो मजबूर ऑफिस में आना पड़ा। आप क्या समझती हैं कि मोहब्बत सरेराह बिकती है, जिसे खरीद कर आप अपना दामन भर लेंगी? नहीं मैडम, नहीं, बल्कि मोहब्बत तो वो जज्बा है जो दिल के अंदर जन्म लेता है और रूह में घर बनाकर बस जाता है। मेरे अंदर ये जज्बा पहले से आबाद है। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। क्या? हां, और मोहब्बत एक बार होती है, बार बार की मोहब्बत या तो तजारत होती है या फिर हवस। सिर्फ मोहब्बत का? आप क्या समझती हैं कि मैं आपकी मोहब्बत की यकीन की खातिर अपनी मोहब्बत के भरोसे का खून कर लूंगा? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। आप जा सकती हैं। आप अभी तक गई नहीं। पागल है ये लड़की। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक। तुम अपने भाई से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो, हाँ? बता मुझे, वरना तुम्हारी आंखों में लपकते बेबसी के शोले तो
तुम्हारे भाई का सारा खून जला देंगे। बता मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ भी नहीं हुआ। आप तो ऐसे तैश में आ गए। सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। क्या छुपा रही है ये मुझसे? सकता।
डरो नहीं, आओ मेरे साथ। चलो हमारा तो एक महीने का खर्चा निकला, हम तो चले मौज मस्ती करने। तुम माशरे के सामने हमें नंगा करना चाहती थी, मगर हम तुम्हें अपने सामने नंगा करेंगे, अपने सामने नंगा कर देंगे तुम्हें। तुम हमें फांसी के तख्ते पर लटकवाना चाहती थी ना, अब हम तुम्हें कहां कहां लटकाएंगे इसका तुम्हें अंदाजा नहीं जाने मन। इस जंगल में मौत हमारे इशारों पर नाचती है। ये क्या कर रहे हो जमशेद? अगर ये हमारे किसी काम आए बगैर मर गई तो हमें क्या फायदा? कूल डाउन जमशेद, कूल डाउन। सिकंदर बिल्कुल ठीक कह रहा है। थका रही हो मेरी जान? Yeah!
अफसोस, ये तो मर गई। चलो अगले शिकार की तैयारी। ये अभी तक जिंदा है। Oh!
ये लो चाबी और टैंक फुल कर दो। कैसे बच गई? वो कैसे जिंदा बच गई ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो जिंदा है ये मैं जानता हूं। अगर वो लड़की पुलिस के पास चली गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। नहीं नहीं, अगर उसने पुलिस के पास जाना होता तो वो जा चुकी होती। लगता है वो अपनी इज्जत के डर से खामोश हो गई। अब हमें भी इस बात को भूल जाना चाहिए। हाँ, जब तक वो खुद कुछ नहीं करती यार। Enjoy yourself, man. Enjoy. Enjoy yourself. Okay. हड्डी हो तुम, अब तक तुम जिंदा हो मगर अब तुम नहीं बचोगी। अब तुम्हारी कहानी खत्म। की औरत चाहत करती है और तुम इतने बुरे मर्द नहीं हो। आज रात आ जाना, मर्जी का मजा अलग ही होता है।
तुम्हारी रूह में उतार दूंगी जानीमन। वो कैसे? बहुत प्यार दूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, आज तक मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं, जो बात तुम पे है वो किसी और में नहीं। मैं भी हमेशा तुम्हें याद रहूंगी, इतना प्यार दूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें एक नए जहान की सैर करवाऊंगी और तुम्हें इतना प्यार दूंगी जो किसी ने ना दिया होगा। तुम मुझे कभी भुला नहीं सकोगे। क्या तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो? हाँ, ये मेरा दावा है, तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। अच्छा? हाँ, वो अच्छा। आजमा कर देख लो मेरे प्यार को, मेरी चाहत को। मुझे अच्छा, मुझे भी जिंदगी में सच्चा प्यार कभी नहीं मिला। बताओ ना जान, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। आंटी, आप लोग परेशान क्यों हैं? हाँ बेटा, बात ही परेशानी वाली है। सितारा तुम ही बताओ। साजिद, हम लोग दो दिन से आंचल से रابطہ करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों उसका सेलफोन ऑफ जा रहा है। वो इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं है, मगर समझ नहीं आ रही सब कुछ क्या हो रहा है। प्लीज आप लोग हौसला रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। अगर आप कहें तो मैं जाता हूँ उसके पीछे, एक दिन और देख लेते हैं। ओहो, क्या हो गया तुम्हें? मुझे पहली मुलाकात में तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अब क्या हो गई हो? हाँ, क्या तुम मुझे पागल कह रहे हो? खुद पागल हो तुम, खुद पागल हो, मुझे पागल कह रहे हो तुम। ओए ओए, क्या किया तुमने मेरे साथ? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरे खाम में आए। चलो खाम में आए सो आए, मगर जो तुमने मेरे साथ किया वो क्या था? हाँ, क्या था वो?
कभी कभी उदासियां भी अच्छी लगती हैं, मगर जो मोहब्बत में कामयाब हो वो उदास नहीं होते। मगर मेरी मोहब्बत ख्वाब की तरह थी अहमद, और आंख खुलने के बाद ख्वाब ख्वाब ही होते हैं, हकीकत नहीं बनते अहमद। ये क्या कह रही हो तुम?
हमारी मोहब्बत ख्वाब नहीं, हकीकत है। नहीं अहमद, हमारी मोहब्बत की हकीकत कभी रिश्तों का रूप नहीं धार सकती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। एक अधूरी मोहब्बत को पालकर क्या करेंगे हम दोनों? हमारी मोहब्बत अधूरी नहीं, बल्कि हम दोनों अपनी मोहब्बत के गवाह हैं। हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम। मैं यहां एक कहानी लिखने आई थी, मुझे अपनी अधूरी कहानी मुकम्मल करनी है, और मेरी कहानी में मोहब्बत की गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है अहमद। सुना लड़की, अच्छा तो तुम हो वो जिसने उस फारस ऑफिसर पर मोहब्बत के डोरे डाल रखे हैं। मगर तुम एक बात याद रखना, तुम उसको मुझसे छीन नहीं सकती। मोहब्बत छीनने या पाने का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत तो एहसार और कुर्बानी का नाम है। मगर तुम शायद इन बातों को ना समझ सको। मुझे तुम मोहब्बत का फलसफा मत सिखाओ। अहमद मेरा है और सिर्फ मेरा ही होगा, क्योंकि मैं उसे ताकत या दौलत दोनों ही तरीकों से हासिल करके रहूंगी, क्योंकि मैं इस जंगल के ठेकेदार जमशेद की बहन हूं, जमशेद की, समझी? लिफ्ट चाहिए? अगर लिफ्ट चाहिए तो आ जाएं, वक्त और सफर दोनों अच्छे कटेंगे। वक्त और सफर अच्छा गुजारने की बात करते हो और हम सफर को गंदी खाते हो। आखिर क्या चाहती हो तुम? तुम्हारा बुरा चाहती तुम मेरे हाथ में भी गन होती। आज के गुजरे हुए लम्हों को तुम हमेशा याद रखोगे। इतने हसीन लम्हा कौन काफर भूल सकता है। लगता है जैसे आज तुम कोई तूफान उठा देना चाहती हो। जिस्म की गर्मी हर दुख से बेनियाज कर देती है। Oh!
लेकिन इस धमाके में मौत तुम्हारी होगी। आज समझ आया? आज आया समझ में? वो दोनों बेवकूफ थे जो तुम्हारा शिकार हो गए, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा मौत का असल चेहरा कैसा है। मुझे मौत के चेहरे से मत डराओ। मैंने जिंदगी का चेहरा मौत के चेहरे से ज्यादा भयानक देखा है। अब मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। आएगा, आएगा तुम्हें खौफ मौत से, आएगा। मैं दिलाऊंगा तुम्हें खौफ मौत से, मैं समझी, आएगा तुम्हें खौफ मौत से। कहो तुम अंदर आओ, आओ। यहां मौजूद लोग जब तुम्हारे नंगे बदन की बोटियां नोच नोच कर खाएंगे, अपनी हवस की आग बुझाएंगे, तब तब आएगा तुम्हें खौफ। दोस्तों, इसे आपस में ऐसे बांट लो जैसे कटी पतंग को बच्चे आपस में बांटते हैं। बेबस और मजबूर औरत को अपना जोर दिखाकर मर्द बनते हो। अगर मर्दानगी दिखाने का इतना ही शौक है तो इस मर्द से टक्कर लो। सर, वरना मैं इसे मार दूंगा, लाश बिछा दूंगा इसकी। भाई रहा, भाई रहा ऑफिसर, वरना तू जिसका हमदर्द बनकर आया है मैं उसे मार डालूंगा। भाई रहा, फेंक दो। I said drop the gun now.
ना ये गई। मेरे जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी है इस दरिंदे की मौत। गोली चलाओ अहमद, मैं क्या कहती हूँ, फायर करो अहमद, फायर करो। Come on, baby. मेरी मौत देखने से पहले अपने आशिक की मौत तो देखो। ये क्या किया तुमने? भाई की बहन होने का ताना सुन के जिंदा रहने से अच्छा है किसी बेगुनाह की मौत को गले लगा लेना, हजार गुना बेहतर है, हजार गुना बेहतर है। इस कमीने को ताकि एक औरत की बर्बादी का इंसाफ हो सके। तुम्हारे काबिल नहीं अहमद, औरत के पास इज्जत के सिवा होता ही क्या है, और मेरी इज्जत दरिंदगी की भेंट चढ़ चुकी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जिस तरह मदूद के हाथ से गिरकर कुरान की अजमत कम नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह तुम मेरे नजदीक बेकसूर हो, गुनाह से पाक हो। सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन मैं तुम्हारी मौत से पहले कैसे मर सकता हूं?